तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोग को यार सीजन 30 के विनर पास का कुछ लीक्स दिखाऊंगा और साथ साथ भाई जो अपना नेक्स्ट क्रिएट में कौन कौन सा वीपन वगैरह आ सकता है उनको भी लीक्स में दिखाऊंगा। तो यार चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई एकदम खतरनाक खतरनाक लीक्स लेके आते रहता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं यार। तो भाई यार सबसे पहले हमारे पास लीक समय है ये वाला सेट, जो कि देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और इस सेट के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा यार, ये कितनी औसम है यार। तो यार सच में यार बहुत ज़्यादा प्यारा है ये वाला ड्रेस। और भाई ये अपने नेक्स्ट विनर पास या फिर जो नेक्स्ट क्रिएट है उसमें आ सकता है। तो आप बताओ यार इसको किस में आना चाहिए, विनर पास में आना चाहिए कि क्रिएट में आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई विनर पास में आना चाहिए, क्योंकि यार मज़ा टाइप आ जाएगा अगर विनर पास में आता है। तो उसके बाद भाई हमारे पास एक और ड्रेस का सेट है जिसका नाम भाई हैप्पी बीट सेट ऐसे करके। और यार ये सेट लाइट कलर के होने के कारण और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा। तो भाई ये वाला जो ड्रेस है ना ये भी आपको सीजन 30 के विनर पास में देखने को मिल सकता है या फिर कोई भी क्रिएट वगैरह में भी आ सकता है। भाई ऐसा टाइप ड्रेस अक्सर भाई क्रिएट में आता है तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, पबजी लाइट वालों के ऊपर है कि किस में देते हैं। उसके बाद भाई हमारे पास यार एक डब्ल्यू पी क्रिएट का लीक है और ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ भाई कि ये अपना नेक्स्ट जो विनर पास आएगा ना उसमें यही वाला डब्ल्यू पी क्रिएट देखने को मिलेगा आपको। तो भाई इस डब्ल्यू पी क्रिएट में आप लोग को एक प्यारा सा ड्रेस का सेटअप देखने को मिलता है जो कि भाई कतई प्यारा सा लग रहा है, एक नंबर बढ़िया, मतलब खूबसूरत एकदम लाजवाब, जो भी हो भाई देखने में तो ड्रेस कतई खतरनाक लग रहा है। और उससे भी खतरनाक भाई मेरे को इसका चश्मा लग रहा है यार, देख सकते हो कतई यार चेंजेस हो रहा भाई, एकदम आग बन जा रहा, फिर और अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन बन जा रहा चश्मे में। तो भाई चश्मा भी बढ़िया है। और साथ में भाई डब्ल्यू पी क्रिएट में आप लोग को एक M24 का भी स्किन देखने को मिलेगा जो कि भाई पबजी मोबाइल में TDM खेलने में फ्री में मिलता था, लेकिन भाई पबजी लाइट वाले यार क्या ही बताएं इसको डब्ल्यू पी क्रिएट में दे दिए। उसके बाद भाई ये वाला M460 का स्किन देख लो, ये वाला M460 भी हमारे पास लीक समय है। तो भाई ये वाला M460 का स्किन भी आप लोग को जल्द ही पबजी लाइट में देखने मिल जाएगा। तो भाई यार अगर M460 का स्किन अगर विनर पास में आ जाता है तो भाई मज़ा टाइप आ जाएगा, क्योंकि यार अधिकतर बंदे भाई बहुत पुराने बंदे भी हैं उनके पास भी यार M460 का स्किन नहीं है, क्या ही बताऊँ मैं। दूसरों का क्या बताऊँ भाई, मेरे पास खुद यार सीजन 3 का बंदा हूँ बट एक M460 का एक भी स्किन नहीं है। आपके पास होगा तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में यार कि आपके पास कौन सा M460 का स्किन है। तो भाई हम बढ़ते हैं अपने अगले लिक्स की ओर। तो यार अगले लिक्स में देख सकते हो ये वाला कूल ब्लू करके एक AKM है, तो ये वाला AKM भी आप लोग को जल्दी पबजी लाइट में देखने को मिल जाएगा। अब भाई ये प्रीमियम आउटफिट क्रिएट में तो दिखा रहा लिक्स में, बाकी देखते हैं ये विनर पास में आता है कि कोई क्रिएट में आता है। और साथ में भाई ये एक M24 का भी स्किन है जो कि भाई देखने में कतई खतरनाक लग रहा है, और इसका भी नाम भाई कूल ब्लू M24 है। तो भाई ये भी जल्दी आ जाएगा पबजी लाइट में। उसके बाद भाई हमारे पास एक दो पेन का भी स्किन है जिसको मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ये वाला पेन का स्किन देख लो जिसका भाई मेरे पास मात्र फ़ोटो बस है, और इस पेन का नाम है भाई मेटल स्लाइड पेन ऐसे करके, और एक और पेन है भाई जिसका नाम भाई ईयरली डॉल पेन करके। तो भाई ये दोनों पेन में से एक पेन यार सीजन 30 के विनर पास में आप लोग को देखने को मिल सकता है। उसके बाद भाई हमारे पास यार कुछ हेलमेट का भी स्किन है देख सकते हो। तो भाई देख सकते हो यार ये वाला हेलमेट कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा। और भाई यार ये वाला हेलमेट ना जो शुरू तरफ में लाइट कलर का जो ड्रेस दिखाया था ना उसके साथ एकदम परफेक्ट मैच कर सकता है। तो भाई हो सकता है उसी ड्रेस के साथ विनर पास में ये वाला हेलमेट भी आप लोग को देखने को मिल जाए। उसके बाद भाई हमारे पास एक और हेलमेट है देख सकते हो, ये वाला हेलमेट भी उसी ड्रेस के साथ जच जाएगा, देख सकते हो प्रेजेंट हेलमेट करके लिखा हुआ है। तो इन दोनों हेलमेट में से एक हेलमेट आप लोग को यार विनर पास 30 पे देखने को मिल सकता है। अब भाई ज़रूरी नहीं कि भाई ये विनर पास में ही आए, हो सकता है भाई एक आध हेलमेट आप लोग को क्रिएट वगैरह में भी देखने को मिल जाए, तो भाई वो तो देखा जाएगा, वो पबजी लाइट वालों के ऊपर है। उसके बाद भाई ये बैकपैक का स्किन है देख सकते हो, तो इस बैग का नाम है भाई अमेजिंग जर्नी बैकपैक करके। तो भाई देखने में तो सिंपल सा ही लग रहा, बाकी देखते हैं यार ये विनर पास में आने के बाद कैसा टाइप लगता है, अभी तो मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है ये वाला है बैकपैक। उसके बाद भाई एक और बैकपैक है जो कि भाई लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, देख सकते हो लेवल 3 पे खतरनाक लग रहा है, अभी तो लेवल 2 पे है बट फोटो में देख सकते हो लेवल 3 पे ही दिखा रहा। और ये वाला बैकपैक का नाम भाई स्नो सकुरा बैकपैक करके, तो ये वाला बैकपैक भी आ सकता है विनर पास 30 पे। उसके बाद भाई पैरासूट का स्किन देख लो, तो भाई पैरासूट में यार ड्रीम आइडल पैरासूट करके है ये वाला पैरासूट जो कि ये भी गुलाबी कलर का ही है। तो भाई मेरे को लगता है यार सीजन 30 के विनर पास में भाई पूरा जो पिंक कलर का जो सेटअप है ना वही आने वाला है, क्योंकि यार बैकपैक देखो चाहे ड्रेस देखो चाहे पैरासूट देखो चाहे पैन देखो सभी भाई अधिकतर यार आप लोग को पिंक कलर में ही देखने को मिल रहे हैं।
तो हो सकता है भाई विनर पास 30 में कोई पिंक कलर का ये पूरा विनर पास आ जाए, तो वो तो देखा जाएगा। उसके बाद भाई हमारे पास भाई यार एक और पैराशूट का भी लीक्स है जिसको मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ये वाला पैराशूट देखो, जिसका नाम भाई स्लेपी बियर पैराशूट करके, तो यार ये वाला पैराशूट भी आ सकता है सीजन 30 के विनर पास में। अब इन दोनों पैराशूट में से एक पैराशूट का आना तो तय ही है यार, तो भाई देखते हैं कौन सा पैराशूट आता है सीजन 30 के विनर पास में। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही लिख था, बाकी हमारे पास और भी लिख्स है जिसको मैं भाई नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा। तो यार ऐसी लिख्स वाली वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार एक लाइक कर देना यार। तो चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल वापस, तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय।